अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, मैंने भी जमात अजमल जाना दे गए हैं क्रिकेट का। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, मैंने भी जमात अजमल जाना दे रहे हैं क्रिकेट का जुनून। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, मैंने भी जमात अजमल जाना दे रहे हैं आप क्रिकेट का जुनून। आई होप दैट यू ऑल फाइन। इंग्लैंड स्क्वाड टू फेस पाकिस्तान फॉर 3 मैच टेस्ट 3। बेंस टॉस कैप्टन रिहान अहमद, गुस एडकिंसन, शुएब रशीद, हैरी ब्रुक, ब्रेंडन कर्स, जॉर्डन कॉक, जेक करली, बेन डकी, जॉश हुल, जैक लीच, मैथ्यू मैथ्यू पी ओ डब्ल्यू डी एस, ओली पॉप्स, जॉय रूट, जेमी स्मिथ, ओली स्टोन, क्रिस बॉक्स। इंग्लैंड का ये स्क्वाड है जी, बेन स्टोक्स वापस आ गए हैं क्योंकि इससे पहले वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी श्रीलंका में, सॉरी श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि श्रीलंका इंग्लैंड की थी, तो उस वहाँ पर टेस्ट सीरीज में बेन स्टोक्स अनफिट थे, तो उनकी एब्सेंस में ये ओली पॉप जो हैं इन्होंने कप्तानी की थी इंग्लैंड की। लेकिन अब बेन स्टोक्स दोबारा वापस आ गए हैं, तो बेन स्टोक्स इनके रेगुलर टेस्ट कैप्टन होंगे। उसके बाद रेहान अहमद स्पिनर, गॉल एडकिंसन फास्ट बॉलर होंगे, शुएब बशीर ये भी स्पिनर हैं, हैरी ब्रुक ये भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन, ब्रेंडन कर्स हो गए, फिर जॉर्डन कॉक, जॉक करली ओपनर हो गए, बेन डकी हो गए, जॉर्ज हुल हो गए, जैक लीच ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, फिर मैथ्यू पी रॉबर्ट जैस हो गए, फिर ओली बॉल, जॉय रूट ये भी यानी कि बैटिंग के साथ साथ ऑफ स्पिन कर लेते हैं, फिर जेमी स्मिथ होंगे, फिर क्रिस वोक्स, फिर ओली स्टोन। ये इंग्लैंड का स्क्वाड है, यानी इंग्लैंड ने 3 स्पिनर रखे हैं, रेहान अहमद, शुएब बशीर और ये जैक लीच, ये 3 स्पिनर हैं रेगुलर। तो एक चौथे स्पिनर के तौर पर जॉय रूट होंगे, क्योंकि जॉय रूट प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते हैं। तो यानी कि पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हुए इन्होंने अपने स्क्वाड में 3 स्पिनर रखे हैं, और हमने क्या किया बांग्लादेश के खिलाफ, हमने सिर्फ एक ही रेगुलर स्पिनर रखा है। अब देखते हैं कि हमारी इंग्लैंड की मतलब क्या क्या स्क्वाड होता है, कैप्टन कौन होता है, क्योंकि अभी तक ये खबर आ रही है कि शाम बसूर होगा, नहीं होगा, रिजवान होगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है। भारत इंग्लैंड की, अब इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हम देख चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्मेंस, जॉय रूट ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, उसके बाद हैरी ब्रुक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, फिर ओली पॉप ने लास्ट आखिरी टेस्ट में अच्छी बैटिंग की है, लेकिन श्रीलंका ने आखिरी टेस्ट में हराया इंग्लैंड को ना, तो पाकिस्तान तो हरा दोनों क्लीन स्वीप हुए बांग्लादेश के खिलाफ, तो पाकिस्तान ये अपनी होम सीरीज है, तो अपनी होम सीरीज का एडवांटेज होना चाहिए, जो कि नहीं ले रहे, ना हमारी बैटिंग चली, ना हमारी फील्डिंग चली, तो पाकिस्तान को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, हम तो ये इंग्लैंड का स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, एक मुकाबला होगा अच्छा। तो एक और मैं अब बता दे रहा हूँ, इंग्लैंड के मेन बॉलर हैं मार्क वुड, वो इंजर्ड हो गए हैं, वो एक इंग्लैंड के लिए बिग लॉस हो सकता है, क्योंकि वो करते थे बाउंसर करते थे ज़्यादातर, वो अब नहीं है, तो अब फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी क्रिस वोक्स पे होगी, एटकिंसन पे होगी, उसके साथ साथ आई थिंक सो ओली स्टोन पे होगी, और बेन स्टोक्स भी मीडियम पेसर हैं, तो वो लग रहा है कि बेन स्टोक्स इस सीरीज में बॉलिंग ना करें, फिर अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, क्यों ये तो फिर अब वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर को देगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और आप अगर चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।